कांग्रेस की तरफ से पठानकोट में नोटबंदी के खिलाफ किया गया रोष प्रदर्शन, जिसमें समूह कांग्रेस कार्यकर्ता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर किया रोष व्यक्त। अज का प्रोग्राम ये जी मार्च है बार बार करना है, ये रोष मार्च हैगा नोटबंदी के खिलाफ। जरा मोदी सरकार ने इनू एक सर्जिकल तौर पर स्ट्राइक तौर पर वरत्या, ना वो कोई स्कीम सी कि डॉक्टर की किसी घर रहा वै, कोई गरीब आदमी अज लाइन च लंघे ने, दो दिन बैंक बंद हो जाए, जो कदर पैदा नोट इन्ना कुछ भाई पूरी नहीं, जेडे छापते पे ने गलत ने, 500 के नोट के 500 गलतियां ने, ये किस तरह का इन्हें फैसला ले लिया इन्नी जल्दी। ये फैसला बहुत ही गलत है। साढ़े कांग्रेस आयम सोनिया गांधी जी ने यह तो जरूर किया कि नोटबंदी के खिलाफ असी रोस मार्च करांगे, धरना भी देंगे, उसके बाद जे फिर भी ये कोई ढिला नहीं हुई ये फिर अगली गल जो तो आदेश होएगा वो मुताबिक। अज हर वर्ग दुखी है कि वह किसान है, उन्हें खाद नहीं, विआह वाले पैसे नहीं, गरीब आदमी इलाज होकर पैसे नहीं, इन्ने सर्जिकल स्ट्राइक चे बंदे नहीं मारे, जरा नोटा के आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक किया और 80 बंदे मर गए ने, इहदा जिम्मेवार कौन है? अभी तो मंग करने कांग्रेस वालों के जोड़े बंदे मरे ने लाइन च लगे बैंक ज जिन्होंने खुदकशियां की, इन्हों भी शहीद करार दिता जाए, तो मोदी के मुँह चपेट बजे कि जोड़ा काम ने चुकया बड़ा गलत है, तो ये इन्ना जन विरोधी है, पर वो खुश है, ताड़िया मार मार के गल करता पे। ये देश का प्रधानमंत्री है कि कोई नाचा? इदा तो लगता कि नाचा को प्रधानमंत्री बनाता है आर एस एस ने, ये मुल्क नूं तबाह करने वाली नीतियां चलिया, नहीं बंद करेगा तो यह भी खत्म तो लोग भी खत्म। नोटबंदी के विरोध ब्लॉक कांग्रेस का हल्ला बोल, ब्लॉक अध्यक्ष को खुद नहीं विमुद्रीकरण का ज्ञान, सिर्फ खिलाफत को उतरे सड़कों पर। ਉਦਨ ਬੈਂਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ 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 ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ 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 ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ये जो विमुद्रीकरण है, क्या मानते हैं आपकी विमुद्रीकरण आखिर है क्या? देखिए बात ऐसी है, जो सरकार नीतियां चला रही है ये ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं की हो रही है। काम करना है जो पहले लोगों को, जैसे जो पैसे का नए नोट निकालने थे उसको पहले उसकी खाना पूर्ति पहले इनको करनी चाहिए थी, जो कल को प्रॉब्लम आई उसका हाल इनको पहले सोचना चाहिए था, जो आज प्रॉब्लम आ रही है। मैंने पूछा विमुद्रीकरण क्या है? देखिए जो सरकार नीतियां बना रही हैं अच्छा ढंग नहीं है इनका जो काम करने का है, अगर करते हैं तो ठीक हो जाता काम। मतलब आपको खुद नहीं पता कि विमुद्रीकरण क्या है? नहीं ऐसा नहीं है, पता सब कुछ है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं ढंग से बात करनी होती है,